तो अभी इस वीडियो में हम अपना स्क्वायर रूट ऑफ 1800 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालें यह सीखेंगे। दोस्तों यहां पर आपको टू डिजिट को लेना है, अंडरलाइन कर दिया, फिर आगे बढ़े कितना आ गया 18। इसके लिए हम अपना 4 मल्टीप्लाई 4 लिया, कितना आ गया 16। इस 4 को एक बार यहाँ लिख दिया। देखिए यह हमने क्यों लिया, 4 से जैसे हम एक बड़ा नंबर लेते हैं तो आपका कितना आ गया 25, जो आपका ग्रेटर देन 18 है, जबकि यहाँ हमारा जो वैल्यू आया 4 मल्टीप्लाई 4 से आपका वो क्या है, लेस देन 18 है। तो हमें यहाँ पे ऐसा संख्या को लेना होता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर या तो आपका इसके बराबर आया या इससे कम, यानी लेस देन एंड इक्वल टू की कंडीशन को चेक करना होता है। तो इसको किसने फुलफिल किया, हमारा 4 ने। और ध्यान रखें आपका 3 मल्टीप्लाई 3 भी लेस देन है, लेकिन 3 से आगे जाए 4 पे तो 4 भी लेस देन आ रहा है, लेकिन 4 से जब 5 पे गए तो ग्रेटर देन आ गया, यानी 4 को लेना है। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। और ऐसे खूब सारे एग्जांपल करने से आपका ये मेथड समझ आ जाएगा। एक बार समझ आ गया उसके बाद किसी भी नंबर का आप इसको रूट निकाल पाएंगे। इसको क्या करना है एड, इसको क्या करना है माइनस, अगला जो 00 है इसको हम यहाँ ले आते हैं। अब देखिए फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, इसके साथ हम कौन सा संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें यह मिलना चाहिए या इससे छोटा संख्या। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं यदि 2 को लेता हूँ, 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे छोटा आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया कितना, ओके मैं गलत लिख दिया, सॉरी दोस्तों कभी कभार मिस्टेक हो जाती है लिखने में। ये कितना आ गया, देखिए आपका ग्रेटर देन 200 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्रेटर देन आ गया तो वहाँ रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या के लिए ट्राई करना है। तो आपका यहाँ पे लेस देन आ गया, यानी 2 को लेना है। उसके बाद फिर हमें ऐड करना है और इसको माइनस करना है, कितना 36 आ गया। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करें, बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं संख्या को, देखिए पॉइंट 00 को अंडरलाइन कर दें, इस पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और अगले 00 यहाँ ले आते हैं। अब इसके साथ जैसे मैंने 4 लिया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपका लेस देन 3600 आ रहा है। यदि 5 लेते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे ग्रेटर देन आ रहा है, यानी 4 को लेना है। ओके, इससे जैसे एक बड़ी संख्या लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, ये ध्यान रखें। टर्निंग पॉइंट जो होता है उस संख्या को लेना है। ओके, यहाँ पे फिर ऐड करना है, माइनस करना है, आप जितने स्टेप तक आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं उतने स्टेप तक कर सकते हैं। ओके, इसके साथ आगे के 00 ले आएंगे। ओके, और ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है। तो इस तरीके से हम अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। धन्यवाद।